जो चिंता है ये बड़ा ही शक्ति वाला है, जिस जगह के ऊपर भी बाबा जी का चिंता बजा है वहां पर सदा लहरे बहरे हुई है भक्त। और इस चिंते से गुरु गोरखनाथ जी भी हार गए थे, हार गए थे ना जी। जब गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा जी की परीक्षा लेनी चाहिए तो मृगशाला जी को आसमान में उड़ाया और बाबा जी ने अपने चिमटे की शक्ति से मृगशाला जी को नीचे उतार दिया। तभी तो बोलते हैं मेरे बाबा जी का चिंता किथे बच्चा, लहरा बहरा हो गया जिथे जिथे बच्चा। तो इस चिंते में बड़ी पावर है, जहाँ ये चिंता होता है वहाँ सदा खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो सभी भक्तों को अपने अपने घर में बाबा जी का चोली चिमटा जरूर रखना चाहिए। होना हरि बाबा जी आपके साथ सदा के लिए रहें। इस बाबा जी के चिमटे की माया बड़ी महान है, मैं पार नहीं पाया है। चिंते ते शाओ लेली निर्मल ते कमजोरा, और सदा हार मनी है अकड़ ते खोरा। तो जिसने चिंते के साथ खिलवाड़ किया, ठीक है, बाबा कोना खाए तो जी का चिंता कुछ नहीं, मैं चिंते में क्या कर रहा हूँ, चिंता ही कुछ नहीं होता है। मोबाइल सब कुछ बोलते हैं ये नहीं पता, होना हरि जी का चिंता काम कर देता है वहां पर मोबाइल भी काम नहीं कर सकता है। तो इस चिंते की अजब माया है। तो चिंते की जितनी महिमा को गाया जाए उतना ही कम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने, बड़े बड़े पीरों फकीरों ने बाबा कोना हरि जी की चिंते की महिमा को गाया है कि ये चिंता कितना बलवान है। चिमटा बजदा रहना है बाबा बालक जी दे दरबार, तोना जगदा रहना है कोना हरि जी दे। बाबा जी का टोना होता है तो वहां पर तो चिंता भी जरूर होता है, क्योंकि चिंता क्या है, बाबा जी के डोने का श्रृंगार है। अगर चिंता नहीं होगा तो डोना सजेगा नहीं। जैसे हमारे जो बाल है सिर के, वो हमारे सिर के श्रृंगार है, श्रृंगार है ना। जैसे अगर कोका होता है, कोका किसका श्रृंगार है, तो दोने का श्रृंगार क्या है, चिंता। तो जिस दोने में चिंता नहीं होता है वो दोना अधूरा होता है। तो दोने में चिंता जरूर लगाया करो और सदा चिंते की ओट लिया करो। जिस जिसने चिंते को सलाम किया है उसने सदा ही खुशियां पाई है। जयकारा चिंते वाले नाथ जी का, जय श्री बाबा जी की। एक बार फिर बोलिए जय श्री।
Bapak Jiki.